हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। ये एकदम सुबह का टाइम है और विराट जग चुका है, तो अभी हम रूम की सफाई करने आए हैं। सबसे पहले हम पूरे रूम की अच्छे से डस्टिंग करेंगे, जो धूल मिट्टी जमी है तो उसे अच्छे से साफ़ करेंगे। उसके बाद लगाएंगे हम पूरे रूम में और पूरे घर में झाड़ू अच्छे से। बेडशीट भी गंदी हो चुकी थी तो उसको भी इसी लगे हाथ चेंज कर देते हैं। सोफा भी बहुत अच्छे से इसको साफ कर लेंगे। देखिए विराट की मस्ती चालू हो गई है, इसकी मस्ती हमेशा चालू रहती है। अब देखिए रूम की हो गई है डस्टिंग अच्छे से। अब लगा लेंगे झाड़ू। कूड़ा हम कोने कोने से अच्छे से साफ कर लेंगे, जिससे हम जब पोछा लगाएं तो हमें कहीं भी कूड़ा मिले ना, क्योंकि पोछा लगाते टाइम अगर कूड़ा थोड़ा सा भी मिल जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। पोछा लगाते अच्छा नहीं लगता, अच्छे से लगाते नहीं बनता है, इसलिए अच्छे से कोने कोने की सफाई कर लेंगे झाड़ू लगाते टाइम पे। मम्मी का भी रूम अच्छे से साफ कर लाए हैं और ये हम गैलरी में लगा रहे हैं झाड़ू। अब पोछा लगाने के लिए अब हम आ गए हैं रूम में। मेरा प्यारा सा रूम हो गया है अब साफ। अब मम्मी के रूम में आ गए हैं पोछा लगाने के लिए। झाड़ू हम पहले ही लगा चुके थे, अब पोछा लगा रहे हैं। गैलरी हमारी बहुत ज़्यादा हो गई थी लीपने वाली, तो वही हम इसको लीप रहे हैं।
गोबर से लीपा हुआ घर लगता बहुत खूबसूरत है। जहाँ गोबर से लीप दो वहाँ की रौनक ही चेंज हो जाती है। बस मजबूरी ये है कि जहाँ कच्चा होता है वहाँ चूहे खोद देते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम बस यही है, वरना पूरा घर ना कच्चा हो बहुत अच्छा लगता है। आज कपड़े बहुत सारे थे ढेर सारे धोने के लिए, धोते धोते आज तो हमारी कमर ही टेढ़ी हो गई। हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड अपने रिश्तेदारों में ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो पूरी वीडियो में तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। यहाँ हम नहा के आ गए हैं और हो जाएंगे थोड़ा सा तैयार और हमें जाना है कहीं अभी दीदी के साथ में। साड़ी की लैस हमारी नीचे की बार बार पलट जा रही थी, इसको सही करी थी लेकिन सही नहीं हो रही थी। वो देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को। लौट कर आने के बाद ये मम्मी का बिस्तर लेके बैठ गया, उस पर वही साड़ी चढ़ा रही थी तो कल बच्चे बिल्कुल करने ही नहीं दिए, बनाने ही नहीं दिए, तो वही अभी लेकर के बैठे हैं। आज उसको पना ही डालना है कैसे भी करके। बिस्तर पे वो साड़ी चढ़ चुकी है और ये हम लेके बैठ गए हैं। फिर थोड़ा सा काम है, ये फ्रिज का कवर बना रही थी तो ये देखिए बन के रेडी हो गया है, पे लगा देते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा तो इसकी हम एक अलग सी वीडियो बना देंगे। ये फ्रिज के हैंडल के पास सिल रहे हैं, हैंडल और कपड़ा पकड़ के सिल देंगे तो ये खोलते टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी, बार बार कपड़े इधर उधर खिसकेगा नहीं। ये देखिए फ्रिज का कवर हो गया है रेडी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को।